हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं जा रहा हूँ खेत में, और इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथों से स्टीयरिंग पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बीच रास्ते में मुझे मिल गई है जली हुई अग्नि, तो यहाँ पर मैं अपने हाथ गर्म करूँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा हमारे खेत पर। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा जो रबी सीजन की फसलें हैं उनका क्या हालचाल है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे खेत पर। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं हमारे पहला जो खेत है गेहूं का, उस पर पहुँच चुका हूँ। और आप ये देख सकते हो गेहूं की लहराते हुए बिल्कुल पूरी तरह से हरे भरे हो चुके हैं। और आज गेहूं पर, तो दोस्तों इधर हमारे खेत में इधर प्याज की तैयारी भी हो चुकी है प्याज लगाने की, और इधर रोप डल चुका है आप देख सकते हो। और ये है हमारा कुआं, और ये सामने देख सकते हो झोंपड़ी बनी हुई जिसमें हमारे सोंजिया रखवाले रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं हमारे मसूर वाले खेत पर। आप देख सकते हो पीछे ये मसूर लगभग 1 से 1.25 महीने की हो चुकी है, और इसमें पानी भी हम फेर चुके हैं। और इधर भी देख सकते हो आप, एक खेत ये है मसूर का जिसमें पानी हम दे चुके हैं, और लगभग ये पूरी तरह से ग्रोथ की ओर प्रोग्रेसिंग है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मशहूर जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और खेत पूरी तरह से भर चुका है। इधर भी आप देख सकते हो दोस्तों, रबी सीजन में ये सबसे कम कॉस्ट और सबसे कम समय में आने वाली फसल है, और इसमें पानी की भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हो सूर्य की रोशनी, ये फॉक्स आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी शानदार व्यू है दोस्तों, मॉर्निंग व्यू ऑफ फार्म। देख सकते हो चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखरी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों हमारे चने का जो खेत है, और इससे पहले गेहूं भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा कुआं जहां से सिंचाई होती है, ये हमारा पंप लगा हुआ है, इस पाइप के थ्रू पानी जाता है दोस्तों। और ये गेहूं देख सकते हैं, इसमें लगभग दूसरा पानी चालू हो चुका है और खाद भी डल चुका है। तो देख सकते हो दूर दूर तक आपको हरे भरे गेहूं नजर आएंगे। इधर भी आप देख सकते हो दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ अब हमारे चने का जो खेत है आगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। सो फाइनली दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं हमारे चने के खेत में, जिसमें हमने चना लगाया लगभग 10 बीघे में। तो आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा हुआ चना, ये भी 1 महीने का हो चुका है, और इसमें अब हम देंगे कुछ दिनों बाद पानी। इसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ होगी, इसमें सबसे पहले यूरिया डाला जाएगा, इसके बाद इसमें पानी किया जाएगा। और ये ज़मीन इस बार खाली थी, इसमें हमने सोयाबीन नहीं लगाई, तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है इस बार चने में। तो दोस्तों, चना काफ़ी बड़ा हो चुका है इस बार। देख सकते हो दोस्तों, वॉलनट फार्म। आई होप दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है चना, गेहूं और मसूर,
देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप फार्मर होंगे या नहीं भी, तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप वीडियो देखकर निकल जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको इस प्रकार के फार्मिंग वीडियो, नेचर व्यू, मॉर्निंग इवनिंग व्यू ऑफ फार्म, सबको सब टाइप के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद। लेकिन प्रॉमिस करो कि आप इस बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। नहीं आया वो भी बताइए, और पसंद आया है तो वो भी बताइए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।